नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में विद्युत संविदा मजदूर संगठन ने विभिन्न समस्याओं से उच्च अधिकारियों को कराया अवगत। विद्युत संविदा मजदूर संगठन के माध्यम से बताया गया कि अभी तक प्राइम वन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से सुरक्षा संबंधित किट नहीं दी गई है। बिना सुरक्षा किट के ही कर्मचारी कार्य करने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से कर्मचारियों के साथ कोई अप्रिय दुर्घटना हो सकती है। 33,000 केवी आए दिन ब्रेकडाउन होती है। ब्रेकडाउन अटेंड करते समय संविदा कर्मियों के साथ कभी भी हादसा हो सकता है। बकाए के डिसकनेक्शन कराने हेतु एक टीम का गठन किया जाए। गांव के अंदर तथाकथित नेता विच्छेदन कराने से रोकते हैं, गाली गलौज करते हैं। मानक के अनुरूप यह आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों का काम नहीं है। संवाददाता अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।